नमस्कार, मैं हूं कनुप्रिया सत्तन और आप देख रहे हैं खबर 100 न्यूज। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबरों पर, लेकिन उससे पहले रुक करेंगे आज की हेडलाइंस की ओर। क्या मेरी आवाज आ रही है? हाँ, मेरी आवाज आ रही है। मध्य प्रदेश शासकीय रेल पुलिस ने मनाया स्थापना दिवस। भोपाल में पहली बार हुआ स्थापना दिवस का आयोजन। यात्रियों को रेलवे की सुविधाओं से किया गया जागरूक। मध्य प्रदेश में कोरोना की रफ्तार हो रही बेकाबू। कोरोना के हॉटस्पॉट बने इंदौर और भोपाल। मध्य प्रदेश के चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग ने दी जानकारी। मौलाना तौकीर रजा का विवादित बयान। मौलाना ने नौजवानों सहित बहु बेटियों पर की टिप्पणी। मंत्री सारंग ने देशद्रोह के प्रकरण की कही बात। मध्य प्रदेश शासकीय रेल पुलिस ने 1 से 7 जनवरी तक अपना 155वां स्थापना दिवस मनाया। प्रदेश की रेल पुलिस ने हर रोज भोपाल के मुख्य रेलवे स्टेशन पर 7 दिनों तक अलग अलग आयोजन किए। इसे लेकर रेलवे एसपी हितेश चौधरी ने जानकारी देते हुए बताया कि स्थापना दिवस के मौके पर रेलवे स्टेशन पर 7 दिनों तक सुरक्षा सप्ताह चलाया गया। इसके तहत रेलवे यात्रियों को रेलवे पुलिस द्वारा दी जाने वाली सुविधाओं से भी जागरूक किया गया, ताकि रेल यात्रियों को जान माल की हानि ना हो। इसी के साथ सुरक्षा व्यवस्था के तहत रेल यात्रियों को किसी प्रकार की घटना घटने पर तत्काल पुलिस से संपर्क करने को लेकर भी जागरूक किया गया। गौरतलब है, शासकीय रेल पुलिस का स्थापना दिवस पहली बार भोपाल में मनाया गया है। इस दौरान मध्य प्रदेश में आने वाली भोपाल, जबलपुर और इंदौर रेल इकाई की अलग अलग वेबसाइट लॉन्च की गई। देखें, जो सारा अवलोकन किया गया, इसमें ये बात तो बड़ी अच्छी सामने आई कि ऐसी कोई भी समस्या किसी से नहीं समझ में आई कि जो हल ना हुई हो। जो सबसे प्रमुख समस्याएं लोगों के सामने यही थी कि महिलाओं के द्वारा भी कि साहब अगर कुछ होता है तो हमें क्या करना है। जनरली उनको जीआरपी या पुलिस तक पहुंचने का जो संवाद स्थापित था उसमें क्वेश्चन मार्क था कि कैसे पहुंच सकते हैं। जनरली उन्हें था कि 100 नंबर या पुलिस को संपर्क कर दिया जाए, तो उनको ये भी बताया गया कि रेलवे के माध्यम से भी या हेल्प ऐप हमारी या कंट्रोल रूम के नंबर हैं, उस पर आप डायरेक्ट संपर्क करेंगे तो आपको तत्काल हमारी पुलिस रेलवे में ही ट्रेन में ही अवेलेबल हो जाएगी। साथ ही चलती हुई ट्रेन में FIR का भी प्रावधान उनको बताया गया कि कोई अगर घटना आपके साथ होती है और अगर आप हमारे कंट्रोल रूम या हेल्प ऐप या इवन TT और ट्रेन गार्ड के माध्यम से भी सूचना पहुंचाएंगे तो हमारे पुलिस की टीम आपके अगले स्टेशन पे चढ़ेगी और आपकी FIR वहां लेगी और आपको हाथों हाथ ट्रेन में ही चलती हुई FIR प्रदान। मध्य प्रदेश में हर रोज कोरोना की रफ्तार बेकाबू होती जा रही है। स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी कोरोना रिपोर्ट की माने तो प्रदेश में 24 घंटे में ही कोरोना के 1577 यानी कि 1500 से भी अधिक मरीज मिले हैं। इसमें इंदौर और भोपाल कोरोना के सबसे बड़े हॉटस्पॉट सेंटर बने हुए हैं, जैसा कि हर बार की कोरोना लहर में देखा जाता है। यही मध्य प्रदेश का ट्रेंड है। सबसे पहले इंदौर और फिर भोपाल में लगातार मामले बढ़ते हैं, जिसके बाद ये मामले गांवों में भी पहुंच जाते हैं। इसे लेकर प्रदेश के चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग ने कहा कि प्रदेश में मौजूदा समय में 5044 एक्टिव केस हैं। हालांकि वैक्सीनेशन प्रोग्राम के चलते राहत की बात यह है कि ज्यादातर मरीज एसिम्प्टोमेटिक हैं, जिसके चलते मरीजों को अस्पताल में भर्ती कराने की नौबत नहीं बन रही। विश्वास सारंग ने बताया कि कोरोना की गंभीरता को देखते हुए प्रत्येक व्यक्ति को प्रत्येक जिले की प्लानिंग रिपोर्ट जो है वो स्वास्थ्य विभाग तैयार कर रहा है। 24 घंटे में मध्य प्रदेश में हमने लगभग 74,000 टेस्ट किए हैं, जिसमें से 1577 पॉजिटिव हैं। अब टोटल मिलाकर मध्य प्रदेश में 5044 हमारे एक्टिव केस हैं। एक सुखद बात यह है कि वैक्सीनेशन के सुखद परिणाम हमें देखने को मिल रहे हैं और जो पॉजिटिव केसेस आ रहे हैं वो एसिम्प्टोमेटिक हैं, उनकी तबीयत ख़राब नहीं है। बहुत तो ऐसे हैं जिनको कोई सिम्टम नहीं है पर टेस्ट कराने के बाद पॉजिटिव आ रहे हैं और उसी का परिणाम है कि हॉस्पिटलाइजेशन बहुत कम है। पर हमें हम सबको सतर्क रहना है और इसीलिए हमने हमारी सभी चिकित्सीय व्यवस्थाओं को चुस्त दुरुस्त किया हुआ है। उधम सिंह नगर जनपद के खटीमा विधानसभा क्षेत्र में सड़क निर्माण का काम शुरू हो चुका है। यहां अशोक फार्म के मेला घाट प्रमुख सड़क से लेकर खाली महुवट गुरुद्वारे तक सड़क निर्माण का काम किया जा चुका है। इस कार्य का भूमि पूजन उत्तराखंड के CM की पत्नी गीता धामी ने किया। इस दौरान सड़क शुभारंभ पर स्थानीय ग्रामीणों ने CM पुष्कर सिंह धामी और उनकी पत्नी धामी का आभार व्यक्त किया। वहीं गीता धामी ने इस दौरान बताया कि खटीमा विधानसभा क्षेत्र में सैकड़ों सड़कें बनने जा रही है, जिसको लेकर
क्षेत्र के लोगों में काफी उत्साह और खुशी है। गौरतलब है कि क्योंकि चुनाव नजदीक है, जिसके चलते ये जो कार्यक्रम है, उद्घाटन समारोह है, ये आनंद फानन में सरकार निपटा रही है। विधानसभा क्षेत्र खंडीमा में आपके अशोक फार्म से खाली मोहम्मद गुरुद्वारे तक 650 मीटर रोड सड़क का आज भूमि पूजन हुआ है। इसके साथ ही अनेकों सड़कों के शुभारंभ हुए हैं और सैकड़ों सड़कें हमारे विधानसभा क्षेत्र खंडीमा में बनने जा रही हैं, और जिससे बहुत ही खुशी लोगों में है, बहुत ही जोश है। और साथ में माननीय मुख्यमंत्री जी जिस प्रकार से पूरे उत्तराखंड में कार्य कर रहे हैं, उत्तराखंड के लिए नए निर्णय ले रहे हैं, जन के लिए एक के बाद एक जो है जन कल्याणकारी योजनाओं को ला रहे हैं, इससे पूरे उत्तराखंड में बहुत ही जोश है। और इस बार खटीमा वासियों ने ठाना है कि इस बार युवा सरकार 7 के पार के लक्ष्य को प्राप्त कराएगी और भारी बहुमत से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाएगी, माननीय मुख्यमंत्री जी को विजय बनवाएगी। बरेली में आयोजित मुस्लिम धर्म संसद के दौरान IMC के प्रमुख मौलाना तौकीर रजा का विवादित बयान सामने आया। मौलाना ने कहा कि मेरे नौजवानों को थोड़ी सी ट्रेनिंग और थोड़े से हथियार दे दो, कैलाश मानसरोवर चीन से ले लेंगे। साथ ही विवादित बयान देते हुए मौलाना ने कहा कि मेरे नौजवानों के दिलों में कितना गुस्सा पनप रहा है, मैं डरता हूँ जिस दिन मेरा नौजवान कानून अपने हाथ में लेने को मजबूर हुआ तो तुम्हें हिंदुस्तान में कहीं पनाह ना मिले। हमारी बहू बेटियों के लिए कहा जाता है कि इन्हें बरगलाओ, इन्हें अपने जाल में फंसाओ, हमारी बहू बेटियों को बरगलाया जाता है। मौलाना तौकीर रजा का ये विवादित बयान इस समय तेजी से वायरल हो रहा है। मैं हुकूमत को ये बता देना चाहता हूँ, मैं अपने आम हिंदू भाई को ये बता देना चाहता हूँ कि रोज कुरान की बेहुर्मती होती है, हम सब्र करते हैं। रोज रसूल आजम की शान में गुस्ताखी होती है, हम सब्र करते हैं। खून के आंसू हो रहे हैं, खून के घूंट पी रहे हैं, उससे तिलमिला रहे हैं, सब्र कर रहे हैं। हमारी बहन बेटियों की इज्जत और आबरू से खिलवाड़ किया जाता है, हमारी बहन बेटियों को कहा जाता है अपने नौजवानों से कि इनकी बेटियों को बरगलाओ, बहकाओ, भगा कर लाओ। शर्म नहीं आती, शर्म नहीं आती, खून के आंसू से है हम उनका घूम पी के रह जाते हैं, क्योंकि हम अपने मुल्क में अमन और मायल चाहते हैं, लेकिन अब हमारे सब्र का पैमाना टूट चुका है। अब सब्र का पैमाना टूट चुका है। मैं गांव गांव जाता हूँ, बस्ती बस्ती देखता हूँ, मैं देखता हूँ मेरे नौजवानों के दिलों में कितना गुस्सा पनप रहा है। मैं डरता हूँ उस वक्त से जिस दिन मेरे नौजवान ये गुस्सा फूट पड़ा, जिस दिन मेरा नौजवान मेरे कंट्रोल से बाहर आ गया, जिस दिन मेरा कंट्रोल इन नौजवानों पर खत्म हो गया। मुझसे बहुत लोग कहते हैं मियां तुम तो मुर्दिल हो गए, तुम तो कुछ करना ही नहीं चाहते, लेकिन मैं कहता हूँ तो पहले मैं मरूंगा, बाद में तुम्हारा नंबर आएगा। अपने हिंदू भाइयों से खास तौर से कह रहा हूं, मुझे उस वक्त से डर लगता है जिस दिन मेरा ये नौजवान कानून अपने हाथ में ले लेगा। हाँ, वीडियो हो गई, कंप्लीट हो गई। जिस दिन ये नौजवान ये कानून हो गया और कानून अपने हाथ में लेने पर मजबूर हो गया तो तुम्हें हिंदुस्तान में अब इसी बयान पर मध्य प्रदेश के चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग ने आपत्ति जताई। उन्होंने कहा कि मौलाना भूल रहे हैं कि यह हिंदुस्तान है, पाकिस्तान की शब्दावली हिंदुस्तान में नहीं चलेगी। इस तरह के दुर्भाग्यपूर्ण और देश को तोड़ने वाली बातों के खिलाफ देश द्रोह का प्रकरण दर्ज किया जाना चाहिए। मौलाना भूल रहे हैं कि यह हिंदुस्तान है और पाकिस्तान की शब्दावली हिंदुस्तान में नहीं चलेगी। इस तरह की दुर्भाग्यपूर्ण और देश को तोड़ने वाली बातों के खिलाफ प्रकरण भी दर्ज होना चाहिए और देशद्रोह का प्रकरण दर्ज होना चाहिए। ऐसे लोग जो धार्मिक उन्माद फैलाते हैं उनको इस देश में रहने का अधिकार नहीं है। मौलाना जी को कहीं ना कहीं अपने बयान को लेकर विचार करना चाहिए। जैसा मैंने कहा कि ये हिंदुस्तान है और हिंदुस्तान में ये विघटनकारी ताकतों को रहने का कोई अधिकार नहीं है। मौलाना के खिलाफ देशद्रोह का मुकदमा चलना चाहिए और उनको जेल के पीछे होना चाहिए।
खटीमा में शनिवार को मुख्यमंत्री की पत्नी गीता धामी ने शहर के पहले ओपन जिम का उद्घाटन किया। वन विभाग के ऑक्सीजन पार्क में जिम खोला गया। खटीमा में ऐसे ही 4 और ओपन जिम खोले जाएंगे। आचार संहिता लगने से पहले सरकार ने जल्दबाजी में विकास कार्यों का शिलान्यास किया और उद्घाटन किया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने खटीमा का दौरा किया और शाम को मुख्यमंत्री की पत्नी गीता धामी ने पीलीभीत रोड पर नव निर्मित ऑक्सीजन पार्क में ओपन जिम का उद्घाटन किया। ऑक्सीजन पार्क में घूमने के लिए आई आम जनता को भी इस जिम का लाभ मिल सकेगा। ONGC कंपनी ने इस जिम में उपकरण दिए हैं। वहीं मुख्यमंत्री की धर्मपत्नी गीता धामी ने कहा कि मुख्यमंत्री ने खटीमा में ओपन जिम खोलने की घोषणा की थी, जो अब पूरी हुई है। खटीमा विधानसभा क्षेत्र में ओपन जिम, इस तरह के ओपन जिम और भी खोले जाएंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी श्री धामी जी ने ऑक्सीजन पार्क यहाँ पे बनाने का कार्य किया है। साथ में आज माननीय मुख्यमंत्री जी श्री धामी जी के प्रयासों से और ONGC के सहयोग से, समर्पण के सहयोग से यहाँ पे ओपन जिम खोला जा रहा है, जिसमें 16 मशीनें करीबन यहाँ पे लग रही हैं। और विगत अभी कुछ दिन बाद जो है 4 अन्य स्थानों में भी ओपन जिम लगाए जाएंगे। सहयोग से ONGC के माध्यम से ये ओपन जिम के यहाँ पे जितने भी उपकरण है आज यहाँ स्थापित किए जाने हैं। इस संदर्भ में आज इसका औपचारिक रूप से उद्घाटन कर दिया गया ओपन जिम का, जिससे खटीमा निवासियों को शुद्ध ताजी हवा के बीच में विभिन्न प्रकार के अब एक्सरसाइज अभ्यास करने में अत्यंत मदद मिलेगी और उनके स्वास्थ्य पर इसका अच्छा असर। अभी के लिए बस इतना ही, बाकी खबरों का सिलसिला लगातार रहेगा जारी। आप देखते रहिए खबर 100 न्यूज, जनता की बुलंद आवाज़।